नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की। नो योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को जाने। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन डू अ वेराइटी ऑफ जॉब्स फॉर अस। लेट अस नो हाउ इट वर्क। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और यह कई प्रकार के जॉब करता है, कई प्रकार के टास्क को परफॉर्म करता है हमारे लिए। आइए हम जानते हैं हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है? कंप्यूटर जो है आपका, वो यूज़र से डेटा या इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसे प्रोसेस करता है, और उसी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट को जनरेट करता है और यूज़र को देता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इस स्टेप को फॉलो करता है। थ्री स्टेज होती हैं, उसे फॉलो करता है। कौन कौन सी स्टेज है? वो स्टेज कहलाती है आईपीओ। क्या मतलब होता है इस आईपीओ का? आईपीओ का मतलब होता है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ मतलब आउटपुट। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज हमें ऐड करना है, क्या करना है? 5 और 4 को ऐड और 2 को आपस में ऐड करना है। तो इसके लिए हम इस फोर स्टेज को फॉलो करेंगे। कैसे? जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कीबोर्ड से कि 5 4 2 प्लस, ये हुआ आपका इनपुट। अब क्या होगा? ये प्रोसेस में जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा और प्रोसेस करेगा 5 प्लस 4 प्लस 2। फिर जो रिजल्ट होगा, इसका डिस्प्ले होगा, वो होगा आपका मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में 11। ये वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है ये भी हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडिंग है वर्किंग की, उसे हम समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं जैसे जूसर ग्राइंडर होता है। क्या करता है समझते हैं। एक जूसर ग्राइंडर को ज़रूरत होती है इनपुट के लिए, रॉ मटेरियल की, जैसे फूड की। इसमें हम बनाना ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, और इसे जूसर मिक्सर में दे देते हैं। यानी कंप्यूटर के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर होते हैं। फिर इसका प्रोसेस होता है, यानी उसे क्रंच किया जाता है और फिर उसे मिक्स कर दिया जाता है इन सभी आइटम्स को। उसके बाद आउटपुट के रूप में आपको बनाना मिल्क शेक मिलता है, होता है आपका आउटपुट। यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से ये इनपुट के रूप में इसमें बनाना गया, मिल्क गया, शुगर यहाँ पे मिक्स हुआ जो प्रोसेस के रूप में होगा, और जब बनाना मिल्क शेक रेडी होता है तो ये आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है? समझते हैं इसकी वर्किंग प्रणाली को, कि कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है। कंप्यूटर वर्क करता है आईपीओ, यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, जिसे आईपीओ साइकिल भी कहा जाता है। कंप्यूटर सबसे पहले आपसे कुछ वैल्यूज लेता है या इंस्ट्रक्शन लेता है। उसके बाद कंप्यूटर इस पर वर्क करता है इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और आउटपुट देता है आपका रिजल्ट में, या कोई इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये होता है आपका आईपीओ साइकिल। इसमें इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को कुछ इनपुट डिवाइस के द्वारा, फिर प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा, जिसे हम सीपीयू चिप के नाम से जानते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रही है। फिर इसका आउटपुट शो होता है, जो हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है, और वो आपको दिखाई देता है मॉनिटर पे। ये देख लीजिए, हम आगे बढ़े इससे पहले हमें दो बेसिक टर्म इसके समझ लेना चाहिए। डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो। किसी भी प्रकार का डेटा, किसी भी प्रकार की जानकारी डेटा हो सकता है जो आपस में संबंधित रखता हो और किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाए, जिसमें फैक्ट्स के रूप में वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, साउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन वो चीज़ मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो रॉ डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में, यूजफुल रिजल्ट के रूप में सामने हमें जनरेट होता है।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स लिए गए हैं फाइव सब्जेक्ट के, जिसमें 82, 78, 90, 86 और 94, ये एक डेटा है। जब इसे कैलकुलेट करते हैं हम मार्क्स को, तब इसका रिजल्ट या रैंक जो होती है स्टूडेंट की वो क्लास में दिखाई देती है। इस प्रकार से ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे जनरेट होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के एडवांटेजेस की। क्या होते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज? कंप्यूटर के एडवांटेजेस में अगर बात करें तो कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, ये भी एडवांटेज में आएगा। तो हम इसमें बात करें तो सबसे पहले सभी को पता है, आप सभी को, कि कंप्यूटर काफ़ी स्पीड रखता है, काफ़ी स्पीड में काम करता है, काफ़ी फास्ट वर्क करता है। दूसरा होता है कंप्यूटर एक्यूरेट वर्क करता है, जो भी इसमें काम होता है बिना मिस्टेक के होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। अगला होता है ये कभी थकता नहीं, जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग एक काम को करते हुए थक जाता है, उस प्रकार से कंप्यूटर थकता नहीं है। कंप्यूटर कई सारे इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है क्विक, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब तो उसे दे भी सकता है, और उसे हम संशोधन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, एडिट, फॉर्मेट, सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात तो उसके बाद, हाँ, कंप्यूटर मल्टीपल जॉब्स कर सकता है। जैसे आप जब टाइपिंग कर रहे हो तब आप किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसी समय आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, और अपना वर्क यानी होमवर्क या किसी प्रकार का सम को उसी समय कर सकते हैं। ये होता है मल्टीपल टाइप ऑफ जॉब्स कंप्यूटर एक ही समय में कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिस डेज। कंप्यूटर जो है इस समय कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। ये मैसेजिंग के काम में आता है, बात करने के काम में आता है, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, आप चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, न्यूज़पेपर आप इस पर पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगली बात करते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिसएडवांटेज यानी इसकी क्या नहीं कर सकता है, इसकी बाउंडेशंस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो बात करते हैं पहले कि ये फील नहीं कर सकता है, इसे महसूस नहीं होता, इसलिए इसमें इमोशंस नहीं है। दूसरा है कंप्यूटर सोच नहीं सकता, इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तीसरा है कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के बिना वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है बिना इंस्ट्रक्शंस के भी काम नहीं कर सकता है, यानी कंप्यूटर को जब काम करवाना है कुछ तो हमें इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं पीपल हु यूज़ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स, कौन से लोग हैं जो कंप्यूटर का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब लंबे समय तक हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, कुछ तो चीज़ें जो हमारे हेल्थ को या मेंटल हमको कमज़ोर बनाती हैं वो हैं दे फॉरगेट ईटिंग मील्स और ओवर ईटिंग, या तो हम खाना खाना भूल जाते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं। दे बिकम एडिक्ट टू कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर के आदी हो जाते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर लंबे समय तक यूज़ करने पर हम टारगेट किए जा सकते हैं साइबर क्राइम के लिए। इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, आई साइट जो होते हैं यानी आँखें वो कमज़ोर होने लगती हैं, या हमारे रिस्ट में टैन हो सकता है लंबे समय तक हम अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो। मतलब जब हम स्टडी नहीं कर पाते इसके द्वारा एग्ज़ाम के दौरान, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो पुअर आता है, दे बिकम लेजी, वे लोग आलसी हो जाते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते।